बच्चों इस वीडियो में हम बात करेंगे मांग का अर्थ की। तो बच्चों आम बोलचाल की भाषा में हम इच्छा को ही मांग समझ लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए मेरी इच्छा हुई कि मैं टीवी खरीदना चाहता हूँ या मैं चाहता हूँ कार खरीदना, ठीक है। तो बहुत सारी इच्छाएं हमारी होती हैं, कुछ पूरी होती हैं कुछ पूरी नहीं भी होती हैं। तो हर इच्छा जो है वो मांग नहीं है, क्योंकि सभी इच्छाओं को आप मांग इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमारे पास साधन नहीं होते। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ जो जरूरी हैं किसी भी इच्छा को प्रभावपूर्ण इच्छा बनने के लिए। यानी कि प्रभावपूर्ण इच्छा का मतलब क्या है, यानी कि मांग वह प्रभावपूर्ण इच्छा है जिसे निम्न तत्व समावेश होते हैं। कौन कौन से तत्व समावेश होते हैं? सबसे पहले उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, क्योंकि अगर इच्छा नहीं होगी तब वो मांग नहीं कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूँ कि मैं टाटा की कार खरीदूँ। उस कार की जो कीमत है मान लीजिए 20 लाख रुपए है, ठीक है। तो मेरी इच्छा है, तो यस मेरी इच्छा है। क्वेश्चन ये है कि क्या मेरे पास उसे पाने के लिए साधन हैं? तो मेरे पास साधन भी हैं, यानी कि क्योंकि मेरे पास बस साधन है, मैं मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अपनी इच्छा को पूरा कर सकूं। लेकिन जब तक आप उस साधन को खर्च करने के लिए तैयार नहीं होंगे तब तक वो इच्छा ही कहलाएगी। यानी कि आपके लिए इसके लिए क्या जरूरी है कि जो साधन है वस्तु को प्राप्त करने के लिए आप उसे खर्च करने के लिए भी तैयार हो जाओ। और याद रखना बच्चों, मांग का संबंध हमेशा निश्चित समय से होता है। यानी कि हो सकता है कि आज है कोई, आज मान लीजिए 15 अक्टूबर है, तो 15 नवंबर है, तो 15 नवंबर को जो डिमांड होगी जरूरी नहीं है वही डिमांड 25 दिसंबर को भी हो। हो सकता है कि डिमांड का पैटर्न चेंज हो जाए समय चेंज होने पर। तो मांग का संबंध हमेशा निश्चित से होता है और मांग के लिए कीमत होना जरूरी है। जैसे मान लीजिए कीमत 20 लाख पर कार की डिमांड मैं करूंगा, लेकिन उसी वस्तु की कीमत अगर 1 करोड़ हो जाए तो हो सकता है मैं वस्तु ना ही खरीदूं। तो मांग के लिए जरूरी है इच्छा का होना, साधन का होना, उस साधन को खर्च करने के लिए आपके अंदर तत्परता भी हो, साथ ही साथ उसका एक निश्चित समय और कीमत भी हो। तो यहाँ पर बच्चों मांग को डिफाइन कर रहे हैं, यानी कि वस्तु की मांग से अभिप्राय है वस्तु की उस मात्रा से जिसे उपभोक्ता द्वारा निश्चित कीमत और निश्चित समय पर खरीदी जाती है। यानी कि मांग कुछ नहीं है बल्कि वस्तु की मात्रा है। कौन सी मात्रा? जिसे उपभोक्ता निश्चित कीमत, ठीक है, ये निश्चित कीमत तो नहीं आएगी, कम से कम विभिन्न कीमत आएगी, जिसे उपभोक्ता विभिन्न कीमत एवं निश्चित समय पर खरीदी जाती है, जो उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों एवं निश्चित समय पर खरीदी जाती हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं 5 किलो टमाटर खरीदने के लिए रेडी हूँ 10 रुपये किलो के हिसाब से, ये 20 रुपये किलो होगा तो मैं 4 किलो खरीदूंगा। तो इस तरीके से अलग अलग कीमतों पर अलग अलग मात्रा होती है बच्चों, ये भी आपको याद रखना है। हाँ, मांगी गई मात्रा का मतलब ये होता है जिसे एक विशेष मात्रा से है जिसे उपभोक्ता निश्चित कीमत पर खरीद रहा है। यानी कि जब मैं कहता हूँ कि 10 रुपये किलो के हिसाब से मैंने 10 kg मैंगो खरीदे, तो इसको हम बोलते हैं मांगी गई मात्रा। यानी कि मांग जो है वो बताती है कि अलग अलग कीमतों पर हम कितनी मात्रा खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बच्चों बता देता हूँ कि मांग 2 तरीके की होती है, व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग। मैं यहाँ पे बच्चों आपको डिफरेंस बताना चाहूँगा व्यक्तिगत मांग, बाजार मांग, कुल मांग में, ठीक है, जिसे हम सामूहिक मांग भी कहते हैं। व्यक्तिगत मांग का मतलब होता है एक वस्तु की मांग एक व्यक्ति के द्वारा, एक वस्तु एक व्यक्ति। बाजार मांग का मतलब होता है एक वस्तु की मांग सभी व्यक्तियों के द्वारा। और सामूहिक मांग या कुल मांग का मतलब होता है सभी वस्तुओं की मांग सभी व्यक्तियों के द्वारा। तो क्योंकि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं इसलिए व्यक्तिगत मांग की बात करेंगे। तो व्यक्तिगत मांग का क्या मतलब हुआ? एक व्यक्ति और एक वस्तु, ये आप याद रखिएगा, यानी कि एक व्यक्ति और एक वस्तु। और बाजार मांग का क्या मतलब है? एक वस्तु लेकिन सभी व्यक्ति। यानी कि व्यक्तिगत मांग का क्या मतलब है कि एक व्यक्ति के द्वारा भिन्न भिन्न कीमतों पर जो मांग की जाती है उसे हम व्यक्तिगत मांग बोलते हैं, और सभी व्यक्तियों द्वारा जो मांग की जाती है उसको हम बाजार मांग कहते हैं। तो चलिए हम मान लेते हैं अर्थव्यवस्था में 2 ही व्यक्ति हैं, जैसे मैं यहां पे एक टेबल बना रहा हूं, मान लीजिए कीमत हमने ले ली, ठीक है, और मांग या मात्रा लिख देते हैं। ये मात्रा है मान लीजिए ए व्यक्ति द्वारा, ठीक है, और ये जो मात्रा है, मात्रा जो है या मांग कह सकते हो, मांग की मात्रा बी व्यक्ति द्वारा। तो जो बाजार मांग होती है उसमें हम क्या करते हैं,
ए प्लस बी यानी कि दोनों की मांग को जब आप जोड़ दोगे तो इसको आप बोलोगे बाजार मांग। तो बच्चों यहाँ पे एक काल्पनिक एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लीजिए कीमत 10 रुपये है, 8 रुपये है, 6 रुपये है। तो ये 100 खरीदता है, 120 खरीदता है, क्योंकि आप जानते हैं ना कीमत जैसे जैसे घटेगी वैसे उपभोक्ता पहले से ज़्यादा खरीदेगा। और इसके क्या है, ये मान लीजिए खरीद रहा है 50, इसने खरीद लिया 60 और इसने खरीद लिया 70। तो बाजार मांग कैसे निकालोगे, आप इन दोनों को जोड़ दोगे, 150, 180 और 220, तो ये आपकी बाजार मांग निकल जाएगी। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने आपको समझा दिया बच्चों, इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात है नहीं। अगर हम मांग वक्र की बात करें तो वक्र भी बना के हम आपको दिखा देते हैं। मान लीजिए ए व्यक्ति का मांग वक्र है, ठीक है, ये बी व्यक्ति का मांग वक्र है, और ये जो हम बना रहे हैं ये बाजार मांग वक्र है। ओके बच्चों, तो नीचे हम लिख देते हैं मात्रा, नीचे मात्रा ही आएगी आपको पता होना चाहिए, और ऊपर आती है कीमत, ठीक है, तीनों में कीमत है। तो चलिए कीमत हम शुरुआत में 10 रख लेते हैं, ठीक है, इस टेबल को बनाते हैं। यानी कि हम ये मान लेते हैं कि प्राइस 10 रुपये पर है, यानी कि ये कितनी खरीद रहा है 10 रुपये पर, मान लीजिए 100 खरीद रहा है जिसको हम ए पॉइंट बोल देते हैं, ये मान लीजिए 50 खरीद रहा है जिसको हम बी बोल देते हैं, और ये मान लीजिए 150 खरीद रहा है मिलके जिसको कि अब सी बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, ज़्यादा मुश्किल डायग्राम ना बने इसलिए हम मान लेते हैं कि प्राइस जब 6 रुपये हुई तो इसने 150 खरीदी, यानी कि प्राइस जब 10 रुपये से 6 रुपये हुई तो इसने खरीदने 150। तो ए और इन यानी कि इसके पॉइंटों को जोड़ देंगे तो ये कहलाएगा व्यक्तिगत मांग वक्र, जिसको हम डी ए बोल देते हैं। इसी तरीके से ये खरीद रहा है 6 पे 70, तो यानी कि ये हमारा है डी बी, व्यक्तिगत मांग वक्र। ये दोनों के दोनों व्यक्तिगत मांग वक्र है ये दोनों। तो बाजार मांग वक्र कैसे निकलेगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 6 पर कितनी खरीद रहे हैं ये 220, तो इन दोनों को जोड़ दें, इसको हम बोलते हैं बच्चों बाजार मांग वक्र। तो इस तरीके से व्यक्तिगत मांग वक्र को जोड़कर बाजार मांग वक्र निकलता है। तो बच्चों अगली जो वीडियो बनाएंगे हम, उसमें हम आपको बताएंगे कि आखिरकार कौन कौन से ऐसे तत्व होते हैं, कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से मांग प्रभावित होती है, जिसको कि हम मांग का फंक्शन यानी कि मांग फलन भी बोलते हैं। इस वीडियो में इतना ही बच्चों, थैंक यू।